हरे कृष्णा। तो आज मैं जा रही हूँ साउथ बैंक, तो वहाँ पे जो भी मैं थोड़ा बहुत देखूँगी वो बहुत सुंदर है, स्पेशली शाम को और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो अभी आज मैं फ्री हूँ और कल भी मेरी छुट्टी है काम से, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जाऊँ। बहुत दिन हो गए, हेक्टिक चल रहा है, बहुत काम और असाइनमेंट्स यूनी, तो आज का दिन मैं सोच रही हूँ इंजॉय करते हैं। तो लेट्स गो, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। आप लोग कमेंट में बताना सबसे अच्छा आपको क्या लगा उसमें, ठीक है। मैं निकल चुकी थी, मैंने अपनी यूनी के बाहर का वीडियो इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि आप उसको बहुत बार देख चुके हो। तो ये वो रास्ता है जो साउथ बैंक की तरफ जाता है, एंड आगे एक ब्रिज है जो हमें क्रॉस करना होता है, एंड उसके बाद सीधा हम साउथ बैंक पहुँच जाते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही थी कि कब बटन ग्रीन हो और मैं वॉक कर पाऊँ। सो यस, यहाँ मैं ब्रिज पर पहुँच गई, एंड ये ब्रिज बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ से पूरा सामने से जो फेरिस व्हील है उसका व्यू आता है, और आसपास बिल्डिंग का और जो ब्रिस्बेन रिवर है उसका, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये शाम को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इस टाइम पे थोड़ी धूप थी। तो मैं पहुँच गई थी साउथ बैंक, यहाँ पर आगे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा ब्रिस्बेन लिखा हुआ है। यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं बहुत सारी, पर मुझे ये था कि मैं यहाँ पे खिंचवा चुकी हूँ, तो आगे चलते हैं। वैसे तो मैं इसको बहुत बार देख चुकी हूँ, लेकिन शायद मैंने इसका ब्लॉग कभी नहीं डाला। तो ये फेरिस व्हील है, मैं इसमें भी राइड कर चुकी हूँ और काफ़ी एक्साइटिंग था। मतलब वैसे ही बहुत स्लो चलता है, देखने में बहुत ऊपर है बट चलता बहुत स्लो है, तो बिल्कुल डर नहीं लगता। और पूरा जो सिटी है उसका व्यू आता है बहुत सुंदर। तो ये हर 24 आवर्स आई गेस चलता रहता है, मुझे नहीं पता, आई थिंक मे बी 10 बजे तक चलता है 11, बट मेरे को ऐसा लगता है जैसे 24 आवर्स ही चलता हूँ, क्योंकि जितना लेट भी मैं कभी घर गई हूँ ये हमेशा चल ही रहा होता है। सो अभी हम और आगे जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊँगी अपना सबसे फेवरेट जगह। मतलब ये पूरा ना आपको ऐसी वाइब देगा जैसे आप फॉरेस्ट में हो, एक फॉरेस्ट वाइब देता है ये पूरी की पूरी। और साइड में जैसे बह रहा होता है पानी, इतना सुंदर, इतना शांत, एंड ये पूरा मतलब एक तरीके से जो पूरी वॉक है ना, ये ऐसी फील देगी आपको जैसे आप फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हो। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार ये मैं बहुत पहले आई थी यहाँ पर, एंड ये मुझे दिखा एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल रास्ता है ना उससे थोड़ा हट कर है, ये थोड़ा अंदर अंदर से है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं थोड़ी देर इसी में घूमती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको मैं थोड़ी देर और देखती रहूँ। मतलब ऐसा है ना कि पूरी सिटी से और पूरी ये इतनी आवाज़ से हटके एक शांति वाली जगह, तो ये बिल्कुल वैसी ही मुझे लगी। कुछ देर में यहाँ बैठ गई थी और थोड़ी देर इसको ऑब्ज़र्व किया, थोड़ा सूदिंग सा लगा, और उसके बाद फिर मैं आगे जाने लग गई। आगे एकदम ब्रिस्बेन रिवर का व्यू आता है, जहाँ से लोग मोस्टली बैठकर व्यू लेते हैं, एंड वहाँ पर वो लोग साइकिलिंग भी करते हैं, साइड में लोग खेल भी रहे थे, बहुत कुछ था। अभी तो फिर भी दोपहर थी तो इतने लोग नहीं थे, शाम होते होते यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन मैंने पहले सोचा था कि मैं शाम तक रुकूं, लेकिन शाम तक बहुत लेट हो जाता और मुझे मेरा एक असाइनमेंट भी करना था, तो इसलिए मैं फिर भी थोड़ा सनसेट तक रुकी और फिर मैं चली गई थी। और हाँ, ये पूरा इतना बड़ा इन्होंने एक ब्रिज टाइप बनाया हुआ है ताकि आप इस पर वॉक करो, और इन्होंने ये चीज़ लिखी भी है, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट वॉक एक्सपीरियंस वे। तो इसके बाद मैं नीचे चली गई और सीधा सामने जो ब्रिस्बेन रिवर का व्यू था वो मैं देखने गई। फिर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि मैं कौन सी सीट लूँ जहाँ से मुझे सबसे अच्छा व्यू आए। फिर मैंने ढूँढा, एंड काफ़ी सारी वहाँ पे बैठने की जगह हैं, मतलब चेयर्स भी हैं और बहुत सारे वहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं, बट कैफ़ेज़ का ये है ना कि फिर तुम अंदर जाके बैठ जाते हो, फिर इतना प्रॉपर व्यू नहीं आता। तो मुझे एकदम पास में बैठना था क्योंकि अंदर अंदर तो रोज़ बैठे ही रहते हैं। फिर ये ऐसे सारे लोग बैठे हुए थे, कोई अपना काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। फिर मैंने ढूंढा कि मैं कहाँ बैठूँ, एंड आगे जाकर
इसी साइड से मैं गई। मैंने सोचा जितनी देर मैं स्पेंड कर सकूँ इस वाले एरिया में मैं करूँ। फिर मैं यहाँ आकर बैठ गई थी और यहाँ से एग्जैक्ट सामने मुझे पूरा ब्रिस्बेन रिवर का व्यू आ रहा था। बहुत ज़्यादा बढ़िया था ये। ऐसे लोग जा रहे थे, कोई अपने डॉग्स को लेके जा रहा था, कोई घूम रहा था, कोई साइकिलिंग कर रहा था। और यहाँ से ना थोड़ी थोड़ी देर में एक मिनी ट्रेन काइंड ऑफ वैसी जा रही थी, जो कि बहुत क्यूट थी, जिसमें लोग बैठे थे और उसका जो ड्राइवर था वो सबको बाय ऐसे करते हुए जा रहा था। तो ये बहुत क्यूट थी। आई थिंक ये सबको साउथ बैंक का बस एक काइंड ऑफ टूर करा रहे थे, बट ये काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद मैं बैठी रही और फिर मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि शाम हो जाए एंड उसके बाद मैं आइसक्रीम खाऊंगी। आराम से रिलैक्स कर रही थी मैं, क्योंकि चेयर एकदम ऐसी थी जैसे बीच पे होती है। तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया कि आइसक्रीम सामने मिल रही थी, मैं देख रही थी, मैंने कहा यार मेरा खाने को बहुत मन है, लेकिन मैं सोच रही थी यार थोड़ी शाम में खाऊंगी ताकि और अच्छा व्यू आए। तो उसके बाद मैं बैठी रही, गाने सुनती रही और ऐसे ही थोड़ा अपना अपने साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। एंड उसके बाद फिर मैं गई, मैंने सोचा अब ले ही लेती हूँ मैं आइसक्रीम। ऐसे जैसे ये जा रही है ना बार बार ट्रेन, ये बार बार जा रही थी, लोग इसमें बैठे थे एंड पूरा व्यू एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो बहुत क्यूट लगी है, हालांकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी मुझे तब दिखी नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो यार 4:30 बज चुके हैं, अब ले लेते हैं आइसक्रीम। और फिर मैं थोड़ा और आगे आके बैठ गई जहाँ से मुझे और ज़्यादा क्लियर व्यू मिला। आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं फ़र्स्ट टाइम फेरी में ट्रैवल करने वाली हूँ। फेरी क्या होती है? फेरी मतलब काइंड ऑफ ये जो बोर्ड दिख रही है ना आपको, ये आपको इस साइड से दूसरी साइड उतारती है जहाँ पे आपको अपनी बसेस मिलती हैं। तो मैंने इससे पहले इसमें कभी भी ट्रैवल नहीं किया था, तो मैंने सोचा था कि आज मैं ट्रैवल करूँ। तो ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, मैं तो थोड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं कभी बैठी नहीं थी। तो ये थोड़ी थोड़ी देर में लाइक एवरी 5 मिनट्स में ये आ रही थी एंड फिर लोगों को इस रिवर की साइड से दूसरी साइड छोड़ रही थी। वरना तो आपको ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है ना। अगर आपको ब्रिज क्रॉस नहीं करना तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इससे जा सकते हो। तो मैंने सोचा यार ब्रिज से तो बहुत बार जा चुकी हूँ, एक बार इससे जाके देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस भी अलग होगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको वही सेम कार्ड टैप करना होता है जो टैप आपको बस के लिए करना होता है। तो ये पूरा व्यू आ रहा था फेरी के अंदर से। ये काइंड ऑफ ऐसे बना था, अंदर से बैठने की जगह थी एंड अंदर आप बैठ भी सकते थे पर मैं नहीं बैठी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे तो मन था कि मैं जल्दी से देखूँ कैसा व्यू आ रहा है। और मैं अकेली गई थी, वरना तो मैं अपनी भी थोड़ी बहुत वीडियो शूट कराती। ऐसे देखो फेरी व्हील का कितना, फेरिस व्हील का कितना प्यारा व्यू आ रहा, ऊपर से सनसेट का टाइम इतना सुंदर लग रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली सब लोग अपने अपने में बिज़ी थे और मेरे साथ कोई नहीं था तो मैंने अपनी वीडियो नहीं बनवाई। लेकिन मैंने जो व्यू था वो इन्जॉय किया बहुत। सनसेट का व्यू था पूरा बहुत प्यारा। और यार सबसे बुरा ये लगा कि मैं इतनी जल्दी दूसरी साइड पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने मुश्किल से 2 मिनट में दूसरी साइड उतार दिया। बट या इट वॉज़ रियली गुड।